नमस्ते दोस्तों, दिस इज़ सी ए दीपा देवानी फ्रॉम दीपशिखा साइड। लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन, कब होगा ये लॉकडाउन ख़त्म? दिन भर हम रोज ये रट लगाते हैं लॉकडाउन कब ख़त्म होगा, लेकिन हम घर में कितने सेफ बैठे हैं। आपको मालूम है हमारी सेफ्टी के पीछे कितने लोगों का हाथ है? हम घर पर सिक्योर्ड है क्योंकि सिक्योरिटी के पीछे बहुत लोग लगे हुए हैं हमारी सेवा के लिए। तो आज हम दे रहे हैं उन लोगों को सैल्यूट जिनके कारण हम घर में सेफ बैठे हुए हैं। फर्स्ट सैल्यूट टू डॉक्टर्स एंड नर्सेस, जो कि दिन भर हमारे लिए लगे हुए हैं। इसमें आज देश में कई डॉक्टरों को कोरोना वायरस हो चुका है, दूसरे डॉक्टर उनके बिना इस बात को सोचे हुए कि हमें भी ना हो जाए तो भी ये अपनी सेवा में हाजिर है, क्योंकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, वो अपना फ़र्ज अदा कर रहे हैं। तो ग्रेट सैल्यूट टू डॉक्टर एंड नर्सेस। दूसरा सैल्यूट हमारे सफाई कर्मचारियों को, नगर निगम के कर्मचारियों को। हम छोटे से डस्ट को उठाते हैं या गार्बेज को उठाते हैं तो हमें इरिटेशन होने लगता है। आप सोचो, इस लॉकडाउन की कंडीशन में भी नगर निगम के कर्मचारी डे टू डे हमारे यहाँ आते हैं, कचरा उठाते हैं और ले जाते हैं। तो दूसरा सैल्यूट हमारे नगर निगम के कर्मचारियों को। ये सैल्यूट दिल से नहीं, कुछ मॉनेटरी टर्म्स में भी होना चाहिए उनको। आपको कभी भी ऐसा लगे कि कोई कर्मचारी या कोई नगर निगम का परेशान है या सफाई कर्मचारी परेशान है, तो उनको 100-200 रुपए देके उनको खुश कीजिए, ताकि वो खुशी जो होगी वो किसी उस खुशी के आगे कुछ भी नहीं है। तीसरा सैल्यूट हमारे पुलिस वालों को और हमारे गार्ड और वॉचमैन्स को। जैसे कि गार्ड पुलिस वालों की तो कंपलसरी ड्यूटी लगाई गई है कंट्री में, चाहते हुए भी वो लोग छुट्टी नहीं कर सकते, तो कितना हम प्रोटेक्टेड हैं उनके कारण। और साथ में गार्ड्स वगैरह जो सोसाइटी में हमारे लिए दिन भर हमारी सेफ्टी का काम करते हैं, अगर वो एक दिन भी छुट्टी करते हैं तो उनकी सैलरी काट ली जाती है। ठीक, उनके परिवार वाले बोलते हैं मत जाओ, और इन लोगों को अगर ये लोग नहीं आते तो उनका घर कैसे चलेगा। ठीक, तो वो अपनी परवाह न करते हुए हमारी सेफ्टी के लिए काम कर रहे हैं। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि जो गरीब हैं या गार्ड हैं या सिक्योरिटी वाले हैं, सफाई कर्मचारी हैं, हम उनको रेगुलर बेस पे थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करके उनको खुश करें, क्योंकि आज की डेट में राशन वगैरह भी महंगा हो गया, उनकी सैलरी इतनी कम है कि वो सर्वाइव कर पाना मुश्किल है। तो सब मिलकर हाथ बढ़ाएंगे तो आगे बढ़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया कोरोना से, पाएगा मुक्ति इंडिया। थैंक यू।